नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी नवग्रह में राहु और केतु ग्रह की। पुराणों के अनुसार अमृत वितरण के दौरान राहु देवताओं का भेष बदलकर उनके बीच जा बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पान कर ली। इसका पता भगवान विष्णु को चल गया और उन्होंने कृष्ण चक्र से उसका सिर काट डाला। भगवान विष्णु के चक्र से निकला धड़ केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तरह केतु राहु का ही कबद्ध है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु एक छाया ग्रह है। इन दोनों को पापी ग्रह भी कहा जाता है। इन दोनों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए यह जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के अनुसार अपना प्रभाव देने लगते हैं। कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जहां कुंडली में इनका प्रभाव शुभ प्राप्त होता है। यदि कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक हो तो व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है, और ठीक ना हो तो प्रतिकूल प्रभाव उतना ही तीव्र होता है। दोस्तों, राहु की वक्री नज़र इंसान को संकट संपन्न कर देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपना बुद्धि विवेक खोने लगता है। व्यक्ति धोखेबाज, चालबाज और अनैतिक कार्य करने वाला, कठोर बोलने वाला, झूठी बातें करने वाला और अधार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है। साथ ही व्यक्ति शराब भी पीने लगता है। वही राहु के अच्छा होने से व्यक्ति श्रेष्ठ साहित्यकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक या फिर रहस्य विद्याओं में योग बनाता है एवं अच्छे होने से राजयोग फलित हो जाता है। इस तरह राहु के फेरे में आया व्यक्ति बेईमान, धोखेबाज और अपने शरीर पर गंदगी पाल कर रखने वाला हो जाता है। इस तरह केतु के मार के कारण व्यक्ति का जुबान और दिल गंदा हो जाता है। व्यक्ति किसी के साथ धोखा, फरेब, अत्याचार करता है। केतु स्वभाव से एक क्रूर ग्रह है। यह व्यक्ति के तर्क, बुद्धि, ज्ञान, कल्पना, अंतःदृष्टि और अन्य मानसिक गुणों का कारक भी माना जाता है। अच्छी स्थिति में जहाँ केतु इन क्षेत्रों में व्यक्ति को लाभ देता है, वहीं बुरी अवस्था में हानि भी पहुँचाता है। दोस्तों, राहु और केतु की अशुभ दशा से बचने के लिए शुरू में ही उपाय अगर करवा लिए जाए तो बहुत अधिक हानि से बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं कैसे एक व्यक्ति इनके प्रभाव से बच सकता है। पहले हम जानेंगे राहु ग्रह शांति के उपाय। यदि व्यक्ति का जन्म के कुंडली में राहु अशुभ हो तो शांति के लिए राहु के बीज मंत्र का 18,000 की संख्या में जाप करें। ओम ब्राह्म भ्रौम सह राहवे नमः का या राहु यंत्र की घर में स्थापना से भी व्यक्ति की पीड़ा कम हो जाती है। राहु से पीड़ित व्यक्ति को शनिवार का व्रत करना चाहिए, इससे राहु का दुष्प्रभाव कम होता है। मीठी रोटी कौवे को दें, खिलाएं। राहु की दशा होने पर कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, या राहु की दशा से आप पीड़ित हैं तो अपने सिरहाने जौ रखकर सोएं और सुबह उसका दान कर दें। इससे राहु का दशा शांत होता है। इसके साथ ही दोस्तों, जिस व्यक्ति की कुंडली में केतु अशुभ फल देने वाला है, उसे केतु का बीज मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः का जाप 17,000 की संख्या में करना चाहिए और दशमेश हवन भी करनी चाहिए। केतु यंत्र की स्थापना अपने घर में करना चाहिए, इससे लाभ प्रदान करता है। शनिवार एवं मंगलवार के दिन व्रत रखने से भी केतु की दशा शांत होती है। कुत्ते को खाना खिलाएं एवं ब्राह्मणों को चावल बना करके खिलाएं। इसके साथ ही केतु दशा से पीड़ित व्यक्ति अपने मन की बात कभी किसी को ना बताएं एवं बुजुर्गों एवं संतों की सेवा करें। यह केतु की दशा में राहत प्रदान करता है। दोस्तों, संतान केतु है, इसलिए
अपने संतान से अच्छे संबंध रखें, भगवान गणेश की आराधना करें, दो रंग के कुत्ते को रोटी खिलाएं, कान छिदवाएं या कुत्ता भी पाल सकते हैं केतु ग्रह से पीड़ित व्यक्ति। दोस्तों, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे एक ऐसा शक्तिशाली देवी मंत्र है जिसके स्मरण एवं जाप से सारे ग्रह दोष बेअसर हो जाते हैं। यह मंत्र सभी 9 ग्रहों की शांति में उपयोगी होता है। प्रतिदिन 108 यानी एक माला का मंत्र जाप करें और सभी ग्रहों को आप शांत कर सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं विदा लेती हूँ, मिलती हूँ कल फिर एक नए जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।